दूसरी जानिब आपको बताएं, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, जबकि फनी खराबियों से तवील बंदिश का मामला संगीन होने लगा। बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज़ कर चुका है। मज़ीद जानते हैं नदीम शाहिद सिप्रा से। जी, आपको बता रहे हैं बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, फनी खराबियों से तवील बंदिश का मामला संगीन होने लगा। बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज़ कर गया है, जबकि आपको बता रहे हैं बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज़ कर गया है। मज़ीद जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और तकनीकी फनी खराबियों की वजह से ये दुरानिया किसी इलाके में 30 घंटे, किसी घंटे में 50 घंटे तक भी पहुंच गया है। उसकी बुनियादी वजूहत यही है कि क्योंकि लटको का सिस्टम ओवरलोड हो रहा है और कई 11 KV फ्यूचर्स पर बार बार ट्रिपिंग का होना, कई इलाकों में ट्रांसफार्मर डैमेज होना, उनकी रिप्लेसमेंट जो है बरवक्त ना होना, उसकी वजह से कई घंटे तक सार्फिन को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आज क्योंकि इतवार का रोज है, छुट्टी है, आज भी डिमांड जो लटको की रिकॉर्ड की जा रही है वो 5000 MW से ज्यादा है, जबकि फ्राहमी जो है वो 4600 MW की जा रही है। इस तरह 400 MW का शॉर्ट फॉल होने की वजह से लोड मैनेजमेंट का तो कहा जाता है, लेकिन जब सिस्टम ओवरलोड होता है और बार बार जो उसमें ट्रिपिंग आती हैं, इसकी वजह से ये लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ जाता है। और बिलखसूस जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर खराब होते हैं, उनकी बुनियाद पर सार्फिन को 30 से 40 घंटे तक बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ता है। जी शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, गर्मी की शिद्दत कम ना हो सकी, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, जबकि लेस्को के 270 से ज़ायद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जल चुके हैं। ट्रांसफार्मर्स जलने से चंद रोज़ में लेस्को को 50 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इस हवाले से भी मज़ीद जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो गर्मी की लहर चल रही है, इसमें लेस्को को ट्रांसफार्मर डैमेज होने की वजह से तकरीबन 50 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। कंपनी के जो आदाद शुमार मिले हैं उसके मुताबिक अब तक के चंद रोज में 270 से ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं वो डैमेज हुए हैं, और लाहौर के जो 4 सर्कल्स हैं इसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो सामने आई है कि ट्रांसफार्मर डैमेज हुए, लेकिन उनको बार बार रिप्लेस नहीं किया जा सका और सार्फिन को कई घंटे तक बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। इस वक्त भी कई ऐसे इलाके हैं जो ट्रांसफार्मर डैमेज होने की वजह से मुश्किल का सामना है। जी शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब आपको बताएं, पंजाब असेंबली को दूसरे ज़राए से बिजली की फ्राहमी का मंसूबा, लेस्को ने अतराफ के इलाकों में 7 घंटे बिजली बंद कर दी। अतराफ के इलाके में सुबह 7 बजे से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। इस हवाले से भी मज़ीद जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद, इस हवाले से भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का अनोखा फैसला सामने आया है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और शदीद गर्मी में भी शट डाउन दिए जा रहे हैं, और VVIP जो फीडर्स हैं उनकी लाइन बिछाने के लिए शट डाउन दिया गया है। सनी व्यू ग्रिड स्टेशन से निकलने वाले 11 KV फीडर्स, इसी तरह जोहर टाउन और मजांग के कई ऐसे फीडर्स हैं जिन पर शट डाउन देकर 7 से 8 घंटे बिजली बंद की गई और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को आप मियां नुमान की जानिब से इस बात का नोटिस दिया गया है और तमाम जो शट डाउन है उनको फौरी तौर पर कैंसिल किया। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका।